हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ फेसेस कनाडा के इंटेंस जेल काजल का रिव्यू शेयर करने वाली हूं और इसका मैं डेमो भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और इसके अंदर रिटन है कि ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और इसका कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, इसमें कोई दोराहा नहीं है, कलर इसका काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर का है ये। और फ्रेंड, क्या ये स्मज प्रूफ है आगे मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी। और इसका प्राइस है 549 रुपीज़, बट थोड़े बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये मिल जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ये एक जेल काजल है और फ्रेंड, जेल काजल को लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जेल काजल स्मज होते हैं, तो आपको किस तरीके से इन्हें यूज़ करना है मैं बताऊंगी ताकि ये स्मज प्रूफ हो जाएं। तो फ्रेंड, ओपन करके ये कुछ इस तरीके की पेंसिल फॉर्म में आता है। यहाँ से आपको काजल मिल जाता है, तो दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको काजल मिल जाता है और यहाँ से आपको स्मजर मिल जाता है। तो काजल लगाने के बाद आप इस स्मजर की हेल्प से इसको स्मज कर सकते हैं, तो इसके बाद काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाता है। और एक चीज़ और, इसके साथ एक शार्पनर भी मिलता है, आप शार्पनर की हेल्प से इसे शार्प कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली शार्प हो जाता है ये। चलिए मैं इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काजल को अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लेना है और काजल को आपको वाटर लाइन से बाहर अप्लाई नहीं करना। अगर आप वाटर लाइन से बाहर अप्लाई करते हैं तो ये स्मज हो जाएगा। मैं आपको क्लिप में दिखा रही हूँ, अपनी वाटर लाइन पर इसे अप्लाई कर लेना है। वाटर लाइन पर अप्लाई करने के बाद इसके पीछे जो स्मजर दिया गया है, स्मजर की हेल्प से आपको स्मज कर लेना है। आपको एक चीज़ और करनी है जिससे ये 100% स्मज प्रूफ काजल बन जाए, आपको एक आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर पिक करना है और ब्राउन कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लेना है। ये काफ़ी इंटेंस भी लगेगा और अब ये स्मज नहीं होगा। और कई लोगों की वॉटरी आइज होती है, ये वॉटरी आइज वालों पर भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और उसके बाद अगर आप काजल पूरा दिन ऐसा रखते हैं तो ये तब भी नहीं कहीं जाने वाला। क्या मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगी? यस, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, हाईली पिगमेंटेड कलर है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, वन स्ट्रोक में ही अप्लाई हो जाता है। और इसके नीचे जब मैं आई शेडो से इसे स्मज कर देती हूँ तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, वाटर प्रूफ भी बन जाता है। तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, आप इस तरीके से इस काजल को यूज़ करना और मुझे बताना आपको रिजल्ट कैसे मिले। तो मिलती हूँ मैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।